देखिए बेगूसराय जी, बेगूसराय के चुनाव को जिस ढंग से नेशनल मीडिया बता रहा है, यहाँ देखने पर बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच में है। यहाँ तीसरा जो उम्मीदवार है कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कन्हैया कुमार, वो भोटकटवा की स्थिति में है, वोट काट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तौर पर ये बता रहे हैं कि हमारी लड़ाई कन्हैया कुमार से है, सीपीआई से है, हमारी लड़ाई महागठबंधन के उम्मीदवार से नहीं है। ये जो चालबाजी है भारतीय जनता पार्टी का कि लोगों के आंख में माने धूल झोंकना, भ्रम पैदा करना, इंद्रजाल बनाना, उसी का ये नमूना है, कहा जा रहा है कि वो है। यहाँ पिछले चुनाव में 3,69,000 हम लोगों को वोट आया। यहाँ जमीन पर देखिए, 7 विधानसभा क्षेत्र में 3 में हमारा विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है, 2 में कांग्रेस का विधायक है, 5 महागठबंधन का है, और 2 जो जनता दल यू का उम्मीदवार है, वो भी महागठबंधन में जब नीतीश कुमार थे तो राष्ट्रीय जनता दल का वोट भी उसमें जुड़ा था, तब वो जीता था। तो ये हालत है, कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का एक विधायक नहीं है 7 क्षेत्र में, और उसके बारे में दावेदारी हो रही है कि नहीं साहब वो संघर्ष में हम लोग जो है गायब हैं, एक साजिश के तहत हो रहा है। और हमको तरस आ रहा है वामपंथी लोगों पर कि साहब आप जो है एक व्यक्ति के यहाँ जो है आप राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों का, दलितों का, अकलियतों का, वो आपका झंडा उठाते हैं, आपका जिंदाबाद करते हैं, और एक ही जात का उम्मीदवार बार बार बेगूसराय में लोकसभा का क्यों होता है, यह हम उनसे जानना चाहते हैं। और इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी का इस देश में जो है नाश हो रहा है, इस बात को नहीं समझ रहे हैं। पिछला जो लोग 2014 का चुनाव हुआ था, एक सिटिंग उम्मीदवार नीतीश कुमार के पार्टी का मुनाजिर हसन, उसका टिकट कट गया कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करने का, और दोबारा जो है इतने मजबूत आदमी का टिकट कटवाने के फेर में ये लोग थे, इस तरह का दबाव जो है डाल रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के 5 उम्मीदवारों का लिस्ट जो है अखबारों में छपा, उसमें एक के अलावे 4 जो है एक जाति के लोग थे। तो झंडा डुलवाइएगा बैकवर्ड से, दलित से, जिंदाबाद करवाइएगा उससे, मंच पर भाषण आप दीजिएगा, ये राजनीति अब चलने वाली नहीं है। सामाजिक न्याय के और धर्म निरपेक्ष की राजनीति करने वाले लोग जो है अब ये राजनीति आपको चलने नहीं देंगे। पिछड़े, दलित सब जाग चुके हैं, सब मजबूती के साथ जो है महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में है, और भारी मतों से तनवीर हसन जो है जीतने जा रहा है। और यही नहीं, इसी क्षेत्र में नहीं, आप देखिएगा नीतीश कुमार का पिछले 2014 में उनके 2 सांसद थे लोकसभा में, 2 भी जीत पाएंगे कि नहीं इसमें हमको संदेह है। और पूरे देश की जो रिपोर्ट मिल रही है, पूरे देश के बारे में जो जानकारी मिल रही है, 2019 के चुनाव के नतीजे के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होकर के जिस ढंग से सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी कितने हताश हैं, इसका नमूना इसी से साबित हो रहा है कि भोपाल में उन्होंने आतंकवाद के मामले में एक अभियुक्त को महिला उम्मीदवार बनाया है, प्रज्ञा ठाकुर को, और उसके बारे में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि ये जो है 5,000 वर्ष की हिंदू सभ्यता पर जो कलंक लगाया जा रहा है उसका जवाब देने के लिए हम कर रहे हैं। यही है हिंदू 5,000 वर्ष की हिंदू सभ्यता, एक आतंकवादी को आप जो है जिम्मा दे रहे हैं कि ये जो है 5,000 वर्ष की सभ्यता पर जो हमला हो रहा है उसका जवाब देगी। अगर यही हाल है तो इस तरह का इसका साफ मतलब है ये हिंदू धर्म के बारे में इनको कोई समझ नहीं है, हिंदू धर्म के महान परंपरा को ये लोग अपमानित करने जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। इसलिए देश में अगली सरकार जो है कम से कम ऐसे व्यक्ति की नहीं बनेगी जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक आतंकवादी को खड़ा कर रहा है। कि हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से, आप दुनिया को क्या मुंह दिखाइएगा भाई? आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है, आप प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बना के क्या संदेश देना चाह रहे हैं? प्रज्ञा ठाकुर के बारे में पाकिस्तान कहेगा कि हमको तो आप प्रश्रय देने की बात कर रहे हैं, हमने कभी हाफिज सईद का देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने समर्थन नहीं किया, अजहर मसूद का समर्थन नहीं किया, लेकिन आप तो खुलेआम जो है प्रज्ञा ठाकुर को का समर्थन कर रहे हैं, उनको उम्मीदवार बना रहे हैं, हिंदू सभ्यता का रक्षक बता रहे हैं, क्या मुंह दिखाइएगा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में?
इनकी सरकार जो है नहीं बनने जा रही है, देश को मुक्ति मिलेगी ऐसे विभाजनकारी सरकार से, और उसके बाद जो है जो भी सरकार बनेगी वो समाज में अमन चैन कर कायम करके देश को आगे बढ़ाएगी। सर कन्हैया ये इसलिए हुआ कि पहले से लोगों के दिमाग में भ्रम था कि महागठबंधन का उम्मीदवार होगा कन्हैया, तो कन्हैया ने मेहनत करना शुरू किया और सबसे पहले उसने मैंने अल्पसंख्यक समाज के बीच में ही काम करना शुरू किया, तो एक ग्लैमर तो उसका है ही, डिबेटिंग सोसाइटी है, डिबेटर है, उसके स्किल से प्रभावित होकर के नौजवान लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि चुनाव आते आते एकदम स्थिति जो है साफ दिखाई देगी, एक वो जो आज दौड़ते हुए लड़के दिखाई दे रहे हैं, एक वो उसके पीछे नहीं दिखाई देगा।